हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। हाल ही में हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसके बाद हरिद्वार ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के दो भाग हो गए, जिसके कारण ट्रांसपोर्टरों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे हैं। हरिद्वार ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक सुरेश कुमार शर्मा ने ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि चुनाव संपन्न हुए 10 दिन बीत गए हैं, सभी ट्रांसपोर्टर अपने काम पर वापस आ जाएं, क्योंकि चुनाव प्रत्येक वर्ष होते हैं। उनके चुनावों में राजनीति नहीं है, इसमें हार जीत लगी रहती है। जो लोग हार गए हैं उनसे निवेदन है कि सभी एक साथ मिलकर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव के कंधों को मजबूत बनाएं और मंदी के इस दौर से गुजर रही ट्रांसपोर्ट कंपनियों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। लजे राम शर्मा उपाध्यक्ष, भाई रतनपाल सिंह चौहान उपाध्यक्ष, नरेश स्वामी लगातार छठी बार सचिव पद पर विजयी हुए हैं, कोषाध्यक्ष पद पर भाई राजेंद्र शर्मा विजयी हुए हैं। मेरा सभी प्रत्याशियों से और उनके समर्थकों से निवेदन है कि हार जीत सबकी लगी रहती है, इसमें किसी का भी भेदभाव मन मुटाव नहीं होना चाहिए। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद अभी हमारे को काम पर लौट जाना चाहिए। इलेक्शन के माध्यम में 10 से 15 दिन का समय हमारा काफ़ी व्यस्त रहा है, सब लोगों के अस्त व्यस्त रहे हैं, जिसमें काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाए हैं। सभी ट्रांसपोर्टरों से मैं निवेदन करूंगा, अपने अपने व्यवसाय की तरफ ध्यान दें और अपने काम पे लग जाएं, और जो भाई दूसरे पक्ष की तरफ भी थे वो भी सब मिल करके एसोसिएशन को चलाएं, सब मिल के काम करें, ताकि हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में व्यवसाय तरक्की कर सके, किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और चुनाव में एक किसी व्यक्ति की हार जीत तो होती है, वो हमें हार स्वीकार करनी चाहिए और भाई लज्जे राम शर्मा का सहयोग करना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, धन्यवाद। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।